नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। मैं हूं रोहित चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेसी फर्ग्यूसन 1030 DI महाशक्ति ट्रैक्टर के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी किसान भाइयों में अपने चैनल को शेयर कीजिए ताकि मेसी फर्ग्यूसन से जुड़ी हुए ट्रैक्टरों की नई नई जानकारी आपको मिलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, अंत तक देखना वीडियो को, आधी देख के स्किप मत करना, देखो तो कंप्लीट देखना। चलिए इसके फ्रंट से बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ चौकोर शेप में इसकी इस प्रकार डिज़ाइन दी हुई है। फ्रंट से बात करें तो ये देख सकते हैं आप, हेवी बम्पर दिया हुआ है इसमें, जो कि नए मॉडल 241 में बिल्कुल रद्दी बम्पर कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया हेवी बम्पर दिया हुआ है। कंपनी 65 किलो बताती है लेकिन शायद ये 55 किलो के आसपास का ये बम्पर है। और ये एयर सर्कुलेशन के लिए बढ़िया जाली दी हुई है। मेसी फर्ग्यूसन का लोगो और हेलोजन बल्ब के साथ गोल इसमें हेडलाइट दी हुई है। अब इधर से बात करते हैं इसकी, तो ये देख सकते हैं महाशक्ति की यहाँ बेजिंग दी हुई है और 1035 DI मेसी फर्ग्यूसन का यहाँ दिया हुआ है। एक्सल की बात करें तो ये देख सकते हैं बहुत ही हैवी एक्सल दिया हुआ है और घुमावदार एक्सल इसमें दिया हुआ है। फ्रंट टायरों की बात करें तो इसमें 616 के फ्रंट टायर दिए हुए हैं। इंजन की बात करें तो ये 3 सिलेंडर इंजन है और 30 HP कैटेगरी का ये इंजन है और इसमें बोस कंपनी का इनलाइन पंप दिया हुआ है जो कि बहुत ही फ्यूल कम खपत के साथ आता है। ये इसका आप देख सकते हैं ऑयल गेज दिया हुआ है, ये ऑयल फिल्टर दिया हुआ है, ये ऑयल के यहाँ छोटा फिल्टर दिया हुआ है ताकि यहाँ से जो कचरा बचे वो इसमें आके यहाँ रह जाए, और ये यहाँ ऑयल निकालने के लिए दिया हुआ है। इसकी क्लच की बात करें तो सबसे गंदी बात इसकी है कि सिंगल क्लच में आता है इसमें इम्प्लीमेंट, जब भी उठाते हैं बार बार इसको गियर चेंज करना पड़ता है, ये दिक्कत आती है। तो इसमें डबल क्लच देनी चाहिए और ये ड्राई क्लच, सिंगल ड्राई क्लच के साथ आता है। तो अगर कंपनी से कोई देख रहा है तो इसमें डबल क्लच करनी चाहिए। ये क्लच का पेडल देख सकते हैं और नीचे पायदान में आता है। ये यहाँ वाटर सेपरेटर दिया हुआ है ताकि टंकी में जो भी मॉइस्चर बनता है वो इसमें आके यहाँ रुक जाता है। डीजल के प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर दिए हुए हैं। ये पुश बटन के साथ ये लॉक दिया हुआ है, इस लॉक को भी चेंज करना चाहिए क्योंकि थोड़े दिनों में डिले हो जाते हैं। ये आप साइलेंसर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इसमें साइलेंसर दिया हुआ है। ये हैंड ब्रेक दिया हुआ है। PTO की बात करें तो 540 चक्कर के साथ इसका PTO दिया हुआ है। ये टॉप लिंक कंपनी से ही लगी हुई आती है। ये यहाँ ट्रांसपोर्ट लॉक दिया हुआ है, नॉन एडजस्टेबल सीट है और बढ़िया बढ़िया कुशनिंग के साथ इसकी सीट दी हुई है। गियर की बात करें तो इसमें ये देख सकते हैं बड़ा बदलाव दिया है इसमें, 4 गियर के साथ ये ट्रैक्टर, ये देख सकते हैं थोड़ा मैं यहाँ से दिखा देता हूँ इसको, 4 गियर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। हाई लो का इसमें ये गियर दिया हुआ है छोटा और ये न्यूट्रल पे स्टार्ट होता है। इसके डैशबोर्ड की बात करते हैं जो देख सकते हैं, स्टेयरिंग की बात करें तो ये बहुत ही मतलब पतली है, तो इसको कम से कम जैसे 1035 इसमें आ रही है वैसी स्टेयरिंग देनी चाहिए। और ये मेसी का लोगो दिया हुआ है। ये मीटर देख सकते हैं आप, यहाँ हावर शो होते हैं, ये RPM का है, बैटरी का, ऑयल का, टेम्परेचर और यहाँ फ्यूल शो होता है। ये देख सकते हैं ये इधर टेम्परेचर का दिया हुआ है, ये ऑयल का और ये बैटरी का दिया हुआ है। ये हाथ की रेस, यहाँ हॉर्न और ये यहाँ चाबी के लिए दिया हुआ है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया हुआ है, पता नहीं उसके अरबों रुपये लग जाते हैं कि इसमें से चार्जिंग का हटा लिया है। 4x4 इंडिकेटर फ्रंट लाइटों का और ये लेफ्ट राइट इंडिकेटर के लिए। ये शीशा दिया हुआ है, ये प्री क्लीनर है, 3 स्टेज ऑयल बार टाइप एयर क्लीनर इसमें आता है। मेन बढ़िया बदलाव इसमें 4 गियर करके दिया हुआ है क्योंकि 3 गियर में ये बहुत ही गंदी मतलब गंदी तरह से आवाज़ करता था ये ट्रैक्टर और भागता भी बहुत कम था, तो ये बढ़िया बदलाव कर दिया है इसमें। ये देख सकते हैं PCDC लीवर दिया हुआ है और लीवर में भी इसके बदलाव है, यहाँ थोड़ा ऊपर कर दिया है, नहीं तो ये सीट से बहुत ज़्यादा नीचे रहता है। ये देख सकते हैं इसको भी थोड़ा ऊपर कर दिया है ताकि किसान भाई की पहुँच में आसानी से रहेगी। अब इसके पिछले टायरों की बात करते हैं तो इसमें 12x28 के इसमें पिछले टायर दिए हुए हैं और विदाउट वेट आते हैं। और इसमें नट देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नट के साथ ये इसमें रिम लगी हुई होती है। अब ये देख सकते हैं इसके पीछे से बात करते हैं तो इस प्रकार का इसका एक्सल दिया हुआ है, ड्राई डिस्क ब्रेक आते हैं इसमें, ये देख सकते हैं एक्सल बढ़िया हेवी दिया हुआ है। ये देख सकते हैं पूरा काम इसमें हेवी किया हुआ है, 30 HP के हिसाब से
पूरा काम हेवी किया हुआ है। ये पार्ट ऑफ एसेसरी है। अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 1100 किलो की इसमें लिफ्ट कैपेसिटी आती है। ये यहाँ पीटीओ दिया हुआ है विद कवर के साथ दिया हुआ है। ये यहाँ चेनें दी हुई है ताकि ये इधर उधर नहीं जाए। लेकिन एक चीज़ की कमी है, इसमें चेन स्टेबलाइज़र नहीं दिए हुए हैं, वो देने चाहिए क्योंकि आज के टाइम में अगर सड़क पे इम्प्लीमेंट ले जाए तो इधर से उधर होता है तो किसी को चोट लगने का खतरा रहता है, तो वो इसमें देने चाहिए। और ये पार्ट ऑफ एसेसरी है। नंबर प्लेट के लिए दिया हुआ है सिंगल सेंसिंग पॉइंट के साथ, यहाँ लिंकेज दी हुई है। और ये देख सकते हैं ट्रॉली के लिए यहाँ दिया हुआ है, आप इसमें ट्रॉली में इंडिकेटर लगा सकते हैं। और इसमें ट्रॉली के लिए पाइप नहीं दी हुई है, वो आपको अलग से लगवानी पड़ेगी। रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, बोतल होल्डर है ये, और इस चीज़ को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग। ये देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है वेट का, या ये फाइबर का टूल बॉक्स दिया हुआ है, और ये पीछे हेडलाइट दी हुई, यहाँ से ही ऑपरेट हो जाती है। और इसके हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर दिए हुए हैं। ये ब्रेक देख सकते हैं आप, नीचे पायदान में है। ये रेस का है, 3 स्टेज ऑल बार टाइप इसका एयर क्लीनर दिया हुआ है। लेकिन कंपनी बताती है 3 स्टेज सभी ट्रैक्टरों में, लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं, 3 स्टेज के अंदर एक यहाँ अलग से और फिल्टर आता है, कागज़ का फिल्टर आता है, लेकिन इसमें 2 ही फिल्टर दिए हुए हैं। तो ये 2 स्टेज ही है, इसमें यहाँ एक और यहाँ 2 ही फिल्टर दिए हुए हैं, जैसे पहले पुराने मेसी में आता था। और यह आप इसकी प्लेसमेंट यहाँ देख सकते हैं कम्प्लीट। और ये स्टार्टर मोटर दी हुई है, ये ऑटो लेग की इसमें मोटर दी हुई है। ये अल्टीनेटर दिया हुआ है विद अल्टीनेटर गार्ड के साथ। और ये देख सकते हैं आप, इसमें एल्यूमिनियम का रेडिएटर दिया हुआ है, और ये प्लास्टिक की इसमें पंखड़ियाँ आती हैं। इसके डीजल टैंक की बात करें तो इसमें 47 लीटर का डीजल टैंक दिया हुआ है विद लॉक के साथ, इसमें डीजल टैंक दिया हुआ है। तो ये आप कंप्लीट ये ट्रैक्टर देख सकते हैं। और इसके इंजन की एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सिम्सन कंपनी का T3AS318 1F5 डीजल इंजन मेड इन इंडिया इंजन दिया हुआ है इसमें। अगर इसकी सीसी की बात करें तो इसमें 2270 सीसी का इसमें इंजन आता है, और 2.7 लीटर का इसमें डीजल इंजन आता है। और ये आप अल्टरनेटर और ये इधर देख सकते हैं, ये छोटा सा यहाँ हॉर्न दिया हुआ है। तो अगर वीडियो में कुछ रह गया हो, बच गया हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस में इसलिए नहीं बताता अपनी वीडियो में क्योंकि हर जगह की अलग अलग प्राइस होती है। तो ये शायद 5.5 लाख रुपये के, 5 से 5.5 लाख रुपये के आसपास ये ट्रैक्टर आता है, और हर महीने इनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। तो आप अपने जैसे कोई भी डीलर हो मेसी का, तो आप उस पे जाके पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ करंट की प्राइस क्या चल रही है। इसकी हुड की बात करें तो ये भी पार्ट ऑफ एसेसरी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।